today's talk. वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बोनियापती। आज हम बनाने जा रहे हैं वह है एक साइड डिश जो कि हम पोटैटोस से बनाने जा रहे हैं। नाम है डिश का पॉम्स मार्केट। पॉम्स मार्केट बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वह है पोटैटोस, बटर, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, नटमेग, ग्रेटेड जायफल जिसे हम हिंदी में जानते हैं, रिड्यूस्ड टोमेटो प्यूरी, एग योक। पॉम्स मार्केट बनाने के लिए ये मैंने पोटैटो को पहले पील कर लिया है और पील करने के बाद मैं इसे कट करूंगा। और ऐसा करने के बाद अब हम इन्हें बॉईल करेंगे सॉल्टी वाटर। हम इन्हें पोटैटोस को वाटर से कवर कर दिया है। हम यहाँ पे आलू उबालने के लिए या किसी भी रूट वेजिटेबल को उबालने के लिए ठंडे पानी से शुरुआत करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट। लगभग मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें चेक करूंगा कि मेरे ये जो पोटैटो स्लाइसेस हैं ये पक चुके हैं या कच्चे हैं। इसके लिए मैं एक नाइफ या फोक की हेल्प से इसे पोटैटो डाइस के अंदर इंसर्ट करूंगा और अगर ये इजीली इंसर्ट हो जाती है तो दैट मींस हमारा पोटैटो पक चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा इजीली ये इंसर्ट हो चुका है और हमारे पोटैटो यहाँ पे पक चुके हैं। अब मैं गैस को बंद करके ये हमारे बॉइल्ड पोटैटोस को मैं स्ट्रेन कर लूंगा। अब हम ये ड्रेन पोटैटोस को मॉइस्चर इवेपोरेट कराएंगे बाय प्लेसिंग देम इन अवन फॉर 2 to 3 मिनट्स। अगर हमारे पास अवन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो यही काम हम अपने पैन के बीच में भी कर सकते हैं। यहां भी ये ड्रेन पोटैटोस का मॉइस्चर सुखाने के लिए इन्हें प्लेस कर रहा हूं पैन के बीच में और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हम इसका मॉइस्चर सुखाएंगे। और जब तक हमारे पोटैटोस का मॉइस्चर सूख रहा है हम ये टोमेटो प्यूरी से इसे रिड्यूस करेंगे अप टू 50% एक पैन के बीच में डाल के। हमें टोमेटो प्यूरी को जो पैन में डाला है हम इसे कॉन्स्टेंटली स्टर नहीं करेंगे अब जब तक ये रिड्यूस होना नहीं शुरू होगी। अदरवाइज हमारा जो कुकिंग टाइम है वह बार बार स्टर करने से बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर विदाउट स्टर किए हुए पकने के लिए छोड़ दूंगा। जब इसमें थोड़ी थिकनेस आना शुरू हो जाएगी तब मैं इसे स्टर करूंगा। यहाँ मेरी ये टोमेटो प्यूरी रिड्यूस हो चुकी है और एट द सेम टाइम मेरे पोटैटोस का मॉइस्चर सूख चुका है। अब मैं इन्हें मैश करूंगा विद हेल्प ऑफ पोटैटो मैशर और इसे सीव करेंगे हम लोग। विद हेल्प ऑफ पोटैटो मैशर मैं इन पोटैटोस को अच्छे ढंग से मैश कर लूंगा। अब देख सकते हैं ये हमने पोटैटो मैशर से पोटैटोस को मैश कर दिया है बट फिर भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि हमारे पोटैटोस में कहीं लम्स रह जाएं। तो हम क्या करेंगे हमारे पोटैटोस को हम लोग सीव करेंगे इस स्ट्रेनर से एक बाउल के बीच में ताकि कोई भी चांस ना रह जाए कि हमारे पोटैटोस के बीच में कोई लम्प रह जाए और जब हम इसे पाइप करें हमारे पाइपिंग में दिक्कत ना आए।
अभी हमने मैश पोटैटोज को इस सीव से डाल लिया है और मैं विद द हेल्प ऑफ लैडल इन्हें पास कराऊंगा सीव से। अब हम एक पैन के बीच में बटर को मेल्ट करेंगे और जब हमारा बटर मेल्ट हो चुका होगा तब हम इसके अंदर ये जो हमने पोटैटोज जो मैश किए थे और इन्हें सीव किया था वहाँ इसके अंदर ऐड करके पकाएंगे और अच्छे ढंग से मिक्स करेंगे और इसी दौरान हम इसके अंदर सीजनिंग को ऐड करेंगे जैसे कि वाइट पेपर, सॉल्ट और हम ग्रेट करेंगे नटमेग या जायफल हम जिसे हिंदी में जानते हैं। इस हिसाब से हमने इसे ग्रेट कर लिया है। अब इस सारे मिक्सचर को हम बटर के साथ अच्छे से पकाएंगे और मिक्स करेंगे। और जब ये सारा मिक्सचर मिक्स हो चुका होगा हम गैस को बंद करके इसके अंदर एग्यों को मिक्स करेंगे और इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर रिड्यूस की हुई टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे बिफोर पाइपिंग इनटू पाइपिंग बैग। ये कुछ इस तरह से टोमेटो प्यूरी मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से मिक्सचर हमारा बन चुका होगा। अब हम इसे ठंडा होने का इंतजार करेंगे और पाइप करेंगे पाइपिंग बैग में। पॉप्स वन को इसको आगे फर्दर बनाने के लिए हमें एक स्टार नोजल की जरूरत पड़ेगी, एक पाइपिंग बैग, हमारा पोटैटोस का बनाया हुआ मिक्सचर, बीटन एग योक, ब्रश फॉर ब्रशिंग और एक स्पैचुला की, और साथ में हमें एक ट्रे की जरूरत है जिसके हम बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर इसे डस्टिंग कर सकते हैं ऑयल और मैदे से। अभी मैं रोजिट नोजल इसके अंदर डाल रहा हूँ पाइपिंग बैग के अंदर और अच्छे से सेट करके हम इसके अंदर पोटैटोज का मिक्सचर डालेंगे। डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और इस मिक्सचर को यूं टाइट करते जाएंगे और ताकि हमारी जितनी भी ये इस तरह से ये मिक्सचर निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम इस मिक्सचर को बिल्कुल पाइपिंग बैग को सीधा रखते हुए और इसे उठा लेंगे और इसी तरह हम इस तरह से हम इनको बना लेंगे और
एग योक में थोड़ा सा पानी डाला हुआ मैंने, इसे लिक्विडफाई करके हम इसको एग वॉश करेंगे। अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है और मैं इसे लगभग 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैं इसे बेक करूंगा 3 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसे बेकिंग के लिए डालने जा रहे हैं। जैसा कि अब हमारे कॉर्न्स मॉल्टीज पक के रेडी हो चुके हैं, हम इसे ओवन से बाहर निकाल लेंगे। रेडी,